दो सीजन के बाद लौटे हैं और शोर सुन लीजिए, ये उनके स्वागत का शोर है या सचिन की वापसी का शोर है। सचिन तंवर नंबर 99 दो मैचेस के विराम के बाद लौटे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ओ महेंद्र सिंह पहली बार बाजी मारी। जी भाई, और बेंगलुरु के सुपरस्टार, ना केवल बेंगलुरु के बल्कि हिंदुस्तान के चमचमाते सितारे पवन सहरावत ने शुरुआत करी वैसी ही जैसी उनसे उम्मीद की गई थी, आते से ही पॉइंट अपने नाम किया है। जिस तरह का जोश यहाँ पे मैच में दिखाई दे रहा है उसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि सनी पाजी द सनी देओल हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में हैं। पाजी के दो हाथों को मिला दें तो 5 किलो होते हैं, 5 पॉइंट यहाँ पे एक टीम को मिलेंगे मैच जीतने के लिए। सच एन ऑनर टू हैव यू सनी पाजी इन द कमेंट्री बॉक्स। तो ये जो ट्रांजिशन होता है प्लेयर टू कोच या एक्टर टू डायरेक्टर, इसमें भी काफी कुछ पंगा इन्वॉल्व रहता है? नहीं, हमारे यहाँ पंगे की बात नहीं होती। क्या हो जाता है कि मैं शुरू से इसी तरह से था, मैं कभी लैंडस्लाइड्स हो जाते थे कभी बारिश इतनी होती थी क्योंकि सड़क तो थी नहीं, वहाँ पर हम लोग हाइक करके ही ऊपर जा रहे थे। और ये भी पंगा लिया सुपर टैकल बुल्स का। जब केवल आपका फिटनेस रिजीम आप दे रहे हैं उन्हें, और फिटनेस इस खेल के फिटनेस के बारे में भी, आप यू बीन द फिटेस्ट पर्सन इन द इंडस्ट्री। I think fitness is something which has nothing to do with weight training or something. It is more of being half flexible and all the more you have to enjoy, you have to love yourself, you have to enjoy the sport. ये बात तो पक्की है, नहीं तो फैंसी नहीं है आपके। इनके आखिरी खिलाड़ी सुमित सिंह आउट, बुल्स ऑल आउट। बोनस लिया है लेकिन बुल्स अपने घर में इस सीजन का पहला मैच 14 मिनट के अंदर ऑल आउट। डू ऑर डाई रेड है लेकिन साथ ही साथ सुपर टैकल भी ऑन है। अगर ये तीन डिफेंडर्स ने इसे धर दिया तो 2 पॉइंट मिलेंगे और ये 2 पॉइंट की सख्त जरूरत बेंगलुरु बुल्स को होगा। सनी पाजी क्या कहते हैं? हो जाता जो पहला पहुंच जाता हो जाता और उसी महेंद्र सिंह ने पॉइंट लिया। स्कीमिंग भी होती है, टीम की स्पिरिट बनती है, इंडिविजुअलिटी भी होती है और ताकत भी होती है, सब कुछ होता है। सुपर टैकल हो गया। ओए लाजा लाजा। डिफेंस दोनों टीम्स का कमाल कर रहा है। यहां भी डू ऑर डाई मंत्रा, डू ऑर डाई रेट में पवन सहरावत इस सीजन के टॉप रेडर पवन सहरावत। और यहां पर बेस्ट रेडर को बेस्ट डिफेंस ने रोक लिया, चौथी बार आउट। डू ऑर डाई रेड पांचों की पांचों अनसक्सेसफुल रही है और यहां पर रोहित कुमार को किसी तरीके से बेंगलुरु बुल्स को लीड में लाना होगा और यहां पर शानदार डिफेंस का प्रदर्शन। डिफेंडर्स की तूती बोल रही है भाई, भाई यहाँ तूती बोलनी पड़ेगी रेडर की अगर आउट होने से बचना है क्योंकि ये डू ऑर डाई रेड है। सुमित रणधीर सिंह सहरावत ने कहा था डू ऑर डाई रेड में शिकार करना है और गलती नहीं करनी है, अगर गलती हुई तो लीड 4 पॉइंट की हो जाएगी गुजरात की। सचिन तंवर गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स की ओर से क्या एक सक्सेसफुल डू ऑर डाई रेड कर पाएंगे? लखपोर सचिन तंवर कम से कम बोनस, अगर स्ट्रगल में गए आउट होने के चांस हैं तो ऑल आउट के होने के भी चांस बन जाएंगे, मुश्किलें बढ़ गई हैं। लीजिए डबल थाई होल्ड, सुमित आउट। अगर ऑल आउट हो गया तो 7 से ज्यादा का डिफरेंस बन जाएगा, वॉक लाइन क्रॉस करनी व्हाइट लाइन, ऑल आउट बुल्स। ये खिलाड़ी जो कोच है आज भी खिलाड़ी के मानसिकता के साथ खेलता है, आघात पहुंचाएंगे तो हल्का फुल्का नहीं, गहरा आघात पहुंचाएंगे।